अरे क्या कर दिया, जला दिया, आग लगा दी? नहीं नहीं भैया, पानी में तेल पड़ गया, आई मीन तेल में पानी पड़ गया। एक दिन किचन में गए तो आफत मचा दी, अपनी भाभी के जन्मदिन का इंतजाम इस तरह करोगे? भैया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं बावर्ची नहीं। कोई फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो डैडी, मैं कौन हूँ? माँ मैं बोलूँ? बोलो। सुनील? नहीं। नहीं तो फिर कमल? झूठ। तो फिर आप मिनी की मम्मी है, ठीक है ना? नहीं डैडी, तुम हार गए, हार गए। अब देखो मैं कौन हूँ। अरे आप तो हमारी टीनी वीनी गुड़िया मिनी है। अरे भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, तेल में मसाला डाल रहा हूँ, सब काम मैं अकेला ही कर रहा हूँ। अभी तक आपका लाडला सुनील नहीं आया? आता ही होगा। हाँ, आ गए, बहुत देर कर दी। भैया अगर आप मुझसे गुल्ले बकावली मंगवाते तो मैं ला देता, मगर ये सफेद गुलाब, इसे ढूंढते ढूंढते मेरा तो तेल निकल गया। अरे तेल तो मेरा निकल गया है, रसोई में खाना पकाते पकाते मैं खुद पक गया हूँ। अच्छा भैया, अगर डॉक्टरी नहीं चली ना तो बावर्ची की पोस्ट जरूर मिल जाएगी। क्यों भैया? देखो मैं तो बावर्ची बन जाऊंगा, तुम क्या करोगे? मैं शेफ डी कासिनो यानी के हेड बावर्ची बनकर तुम पर हुकुम चलाऊंगा। ये मुंह और मसूर की दाल। अरे तुम लोग लड़ते ही रहोगे या काम भी करोगे? चलो सुनील मैं सजा दो। अरे कमल भैया, जब आपने इतना काम किया है तो थोड़ा और कर दीजिए। माय स्वीट स्वीट भैया। नहीं अब मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लीज भैया। सुनील आई सेड नो। अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हो, मैं हिंदी समझता हूँ। अच्छा काम करते हैं। क्या? हम लोग मिनी को जज बना देते हैं। मिनी इधर आओ। मिनी बेटा मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। जो ये कहेगी वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा मिनी ये बताओ कि हम दोनों में से काम कौन करेगा? कमल अंकल और सुनील अंकल। सब बिगाड़ दिया। चलो चलो काम में लग जाओ। डैडी मम्मी कब आएंगी? बस अब आ जाना चाहिए। अरे ये बत्तियां बंद, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? और भाभी मैं कहाँ हूँ? गोल टेबल के नीचे। और मैं भाभी सोफे के पीछे। भाभी अब मोमबत्तियाँ बुझा दे। क्यों? Happy birthday to you, Happy birthday dear Nisha, Happy birthday to you. Attention please, attention. Hello, check 1 2 3, check. भाइयों और बहनों यानी के मेहरबानों और कदरदानों, आज मेरी और कमल भैया की प्यारी भाभी, वाह मिन्नी की प्यारी मम्मी और भैया की प्यारी डैश 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 का जन्मदिन है। और आज इस जन्मदिन की खुशी में हम सब की तरफ से तोहफे दिए जाएंगे। तालियां। सबसे पहला तोहफा है हमारी मिनी का। हेलो हेलो चॉकलेट जो ये कल खुद खा जाएगी। हाँ दूसरा तोहफा भाभी कमल भैया की तरफ से आइटम नंबर 2, चांदी के कंगन जो हमारी आने वाली भाभी पहनेगी। और मेरी तरफ से ये छोटा सा बहुत बड़ा है। अच्छा हाँ। क्या है दिखाते हैं? ये पर्स भाभी जिसका माल सुनील कल खुद ले जाएगा। और डैडी की तरफ से? मुझे मालूम है।
खुशबू बनकर सदा इस परिवार को महकाती रहो। खो गए। याद की पगडंडियों से गुजर रहा हूं। वहां क्या है? खुशबू का झोंका है। मेरी उंगलियों ने एक बार सच्चे गुलाब को छुआ था, उसकी खुशबू लगी रह गई है। आज भी जब अनजाने में मेरे हाथ सांस के सामने से गुजरते हैं तो खुशबू का एहसास होता है। फिर? मैं अपनी उंगलियों को सांस पर रखकर सूंघता हूं। फिर क्या होता है? मेरा रुआ रुआ खिल उठता है और मुझे सब कुछ मिल जाता है। थक गए हो? बहुत काम करती हो ना? अपने के लिए करती हूं, इसी में ही मुझे खुशी मिलती है। हाँ, कमल डॉक्टर बन जाएगा, बस कुछ दिन और। फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जरूरत भी नहीं होगी। बस तुम घर में रहना मेरे पास। कर रहे हैं आप? ऐसा मत करिए, मुझे तो आपके पांव दबाना। Thank you.
बोलोगी नहीं? नहीं। जवाब नहीं दोगी? कभी नहीं। अच्छा बाबा ये तो बताओ मेरा दोष क्या है? दोष? सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर मेरे तरफ देखने लगे। तुमने जर्सी क्यों फेंकी? फेंकी? मगर क्यों फेंकी? मगर क्यों फेंकी? फेंकी? मगर क्यों? मगर क्यों? अरे वो सुनो दुनिया वालों, मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। मैं इस लड़की से प्यार कर मारती क्यों बाबा? ये मौसम प्यार करने का मौसम है। जवां धड़कनों के
फिर रोती क्यों? मैं बहुत बुरी हूँ, कुछ भी कह देती हूँ। नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो लगता है शबनम के बूंदे हैं, और जब तुम मुस्कुराती हो तो झील के नीले पानी में तारे जगमगाने लगते हैं। तारों को जगाओ ना, मुस्कुराओ ना। तुम की रानी कब आएगी तू? माया, कॉलेज से जल्दी आ जाना। हाँ हाँ माँ। और सुन, दूध अच्छी तरह गर्म कर लेना, नहीं तो खराब हो जाएगा। अच्छा माँ। अरे ओ माया, अरे सुन तो। हाँ मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। अच्छा, आजकल जमाना बड़ा खराब है। मेरी रानी की मम्मी कब जाएगी तू? चली जाए नौजवानी कब जाएगी तू? चली जा तू, चली जा। जा रही हूँ। हाँ जल्दी जा। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का बोल माया बोल, संगम होगा के नहीं? तुम्हारी दोस्त मुमताज कहाँ है आजकल? जरा धीरे ना पापा। सॉरी। भाभी, अरे भाभी तौलिया तो दे दो। लाई भैया। मम्मी मेरी रिबन डैडी के बिस्तर पर है। ये लो भैया। भाभी देर हो रही है, नाश्ता दो ना। तैयार है भैया, भी लाई। मैं रोज तुम लोगों का तमाशा देख रही हूँ। भाभी नाश्ता दो, भाभी तुवाल दो। हाँ बाई को आएगी तो मालूम पड़ेगा। बाई को? अरे छोकरी देखिए, छोकरी। छोकरी देखिए, तुम्हारे साथ कौन लगिन करेगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे काम धंधा तो कुछ करता नहीं। काम धंधा करेगा तो लगन हो जाएगा। क्यों नहीं? टिंग, बात बन जाए। टिंग। पागल, बिल्कुल पागल है। भाभी कुछ माल मिलेगा? कुछ खास बात है? हाँ, इंटरव्यू। हाँ। अठारवा। अठारवा? हाँ, इंटरव्यू। ओ। आप चुप रहेंगे डॉक्टर साहब? भाभी, ये जिंदगी भर इंटरव्यू देता रहेगा। हाँ। कितने चाहिए? कितने? जितने मिल जाए। ओ भाभी, भाभी यू आर ग्रेट। लो। थैंक यू। तो बात बन जाए। हटलिंग। भाभी। क्या? भाभी, भाभी मुझे भी कुछ इंटरव्यू। हाँ हाँ। नहीं तो ऐसे, मतलब आने जाने के लिए। हाँ ऐसे ही आने जाने के लिए। प्लीज। कितने चाहिए? अरे मिनी, रेडी हूँ मम्मी। बाय बाय डैडी। बाय बाय। अरे टाटा मम्मी, टाटा डैडी, टाटा। अरे अब क्या? क्या हुआ? बाय टाटा मम्मी, मेरी चिट्ठी पढ़ना मम्मी। क्या है? क्रियॉन्स चाहिए। टाटा। तुम थकते नहीं? मतलब? मतलब रोज इस तरह टुकुर टुकुर देखते हुए अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, फिर भी। फिर भी क्या? जाओ, नहीं बोलती।
बस। अच्छा अगर नहीं बोलती तो जो मैं बोलता हूँ सुन लो। मिसेज निशा सक्सेना, आज सुबह दफ्तर पहुंचकर अपने पैर पर 5:30 बजे का एक अपॉइंटमेंट लिख लो, बहुत जरूरी है। उस वक्त तुम्हें मिस्टर विजय सक्सेना से मिलना है। वो क्यों? इसलिए कि दिन तो गुजर जाता है लेकिन 5:30 बजे के बाद एक एक पल मेरे लिए एक एक युग बन जाता है। कभी बन गए हो, वाह। देखो और क्या क्या बनना पड़ता है। लो अब बैठो मेरी सौतन के साथ। इस सौतन के साथ वक्त तो गुजर जाता है लेकिन दिल नहीं बहलता। दिल बहलाने के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगी ठीक 5:30 बजे। बाय। अरे तुझा माजा जमला, क्या? तेरा मेरा लगन झाला। तब तुम तो पागल हो। रोज बोलती थी माँ से बात कर, माँ से बात कर। आज मैंने तेरी माँ से बात कर ली। सच? क्या बोली माँ? बोलो ना क्या बोली माँ। बैठ जा। अब बोलो क्या बोली माँ। बोली काम धंधा शुरू कर। लगन हो जाएगा। मैं भी तो यही बोलती हूँ मगर तुम काम धंधा करते कहाँ हो। लो क्या बात करती हो, काम धंधा नहीं करता। रोज सुबह कॉलेज में तुझे छोड़ने आता हूँ, तू अंदर जाती है, मैं बाहर तेरा इंतजार करता हूँ और शाम को तुझे वापस घर ले जाता हूँ और रात को तेरी जुदाई में तारे गिनता हूँ। ओवर टाइम करता हूँ, ओवर टाइम। ओ घंटी। आप ओवर टाइम कीजिए, मैं पढ़ने जा रही हूँ। अरे देखो कॉलेज की घंटी बज गई है, अब जाने भी दो मुझे। साढ़े 5:30 बजे का एक अपॉइंटमेंट लिख लो, बहुत जरूरी है। उस वक्त तुम्हें मिस्टर विजय सक्सेना से मिलना है। मिसेस सक्सेना स्पीकिंग। कॉन्ट्रैक्ट फाइल नंबर 3087 में ले लो, 6:30 बजे क्लाइंट से बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। I hope I have not spoiled your evening. It's all right, sir. Daddy? क्या बात है? अभी तक आई नहीं ना मम्मी? बस साथी होंगी। रोज वादा करती है और आती नहीं। कुछ करना पड़ेगा। Good evening, Mr. Malhotra. Good evening, Mr. Pradhan. Meet my secretary, Mrs. Saxena. Good evening, sir. Sorry, I'm late. Oh, it's all right. Allow me, sir. Thank you. This way, please. क्यों मिस्टर प्रधान, ये मिसेस सक्सेना आपके यहाँ कितने सालों से नौकरी कर रही हैं? Excuse me, इसे पढ़ लीजिए सर। जब तुमने ड्राफ्ट किया है तो पढ़ने की क्या जरूरत है? लीजिए पढ़ लीजिए मिस्टर मल्होत्रा। यस सर। आपकी सेक्रेटरी बहुत एफिशिएंट है, अच्छा ड्राफ्ट किया। तो फिर जश्न मनाएं पार्टनरशिप का? क्यों नहीं। पानी या सोडा? वाटर प्लीज, थैंक यू। घबराइए नहीं मिस्टर प्रधान, मैं साइन कर दूंगा। थैंक यू। सुनिए, आप नहीं लेंगी? ये पिलाती हैं, पीती नहीं। अच्छा, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। मिस्टर प्रधान,
आप वाकई बहुत बहुत लकी हैं। आपका इशारा निशा की तरफ है। ऑफ कोर्स। सुनिए, एक दिन के लिए मुझे उधार दे सकते हैं? ये अग्रीमेंट में नहीं है। I don't blame you really. Dinner is ready. सुनिए, खाना तो आप साथ में खाएंगी ना? नहीं, ये खाना भी नहीं खाती। चाय तैयार है, पहले पी लो, बर्तन बाद में धोना। अच्छा। मिनी, मम्मी से दोस्ती हो गई ना? नहीं, मैं मम्मी से बात नहीं करूंगी। मैं मम्मी से बात नहीं करूंगी। चुप। डैडी, सुनील अंकल को बोलो ना। सुनील, तुम मेरी मिनी को तंग कर रहे हो? हाँ? क्या हुआ मिनी? मिनी, मम्मी तुम्हें बुला रही है, जवाब दो। नहीं? डैडी, मम्मी से बोलो, हम उनसे बात नहीं करेंगे। मिनी तुमसे बात नहीं करेगी। मगर क्यों भाई? बोलो, कल तुम देर से आई थी ना, इसलिए। कल तुम देर से आई थी ना, इसलिए। ओह, अब समझी। हम अपनी नन्नी मुन्नी गुड़िया के लिए रंग बिरंगे क्रियॉन्स लाए हैं और साथ में ड्राइंग बुक भी। डैडी, बोलो, कुछ फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं। आज हमें घर की ड्राइंग बनाकर स्कूल ले जाना था, बोलो। बस बाबा बस, मैं पोस्टमैन नहीं हूँ। माँ बेटी के झगड़े में मैं नहीं पड़ता। अब बात समझ में आई। हाँ मिनी, ये बात थी। सॉरी। हाँ, घर तुम्हें बना दूंगी। कब? अभी। लेकिन कैसे? ऐसे। गई जो
हमारा, दुनिया से न्यारा, घर ये हमारा, ये घर हमारा तुम्हारा, ये घर है जन्नत से प्यारा, कैसा है प्यारा, घर ये हमारा, दुनिया से न्यारा, घर ये हमारा। अरे अरे मारो, गुड शॉट, कैच, रेडी। अब संभालो, ये गुगली है। उफ़ो, कितना भगा रही हो। अरे आप, सॉरी संडे को डिस्टर्ब करने आया हूँ। आइए। थैंक यू। ये है मिस्टर प्रधान और मैं हूँ विजय सक्सेना। ग्लैड टू मीट यू। आइए बैठिए। थैंक यू। आई होप यू डोंट माइंड मिस्टर सक्सेना, काम बहुत अर्जेंट था इसलिए आना पड़ा। ऑफ कोर्स। निशा जी, आज रात की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जी। चार दिन बाद लौटूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स टाइप करके दिल्ली के पते पर भेज देना। जी हाँ जरूर। ओके, मैं चलूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप यहाँ पहली बार आए हैं, चाय पिए बगैर आप नहीं जा सकते। निशा चाय बना कर ले आओ। जी हाँ अभी लाई, एक मिनट। डैडी। बोलो बेटे। आप हमसे नहीं मिलाएंगे? हाँ मिस्टर प्रधान, इनसे मिलिए। ये है हमारी नन्नी मुन्नी प्यारी गुड़िया मिनी। वेरी वेरी ग्लैड टू मीट यू मिनी। मैं चाय का देखती हूँ। व्हाट अ स्वीट। मिस्टर सक्सेना, निशा नेवर टोल्ड मी अबाउट। इसकी जरूरत भी क्या थी? कैसे हुआ? एक हादसा हो गया था कोई 6 साल पहले बस। आई एम सॉरी। छोड़िए, हम तो भूल गए थे इस बात को। आपका बंगला बड़ा अच्छा है। हाँ पुराने टेनेंट्स हैं। ओह, और वो लोग निकाल भी नहीं सकते। लीजिए चाय आ गई। चाय। अरे मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में भाई? किस खुशी में? कमल भैया एक बात पूछूं? अगर अच्छी बात है तो पूछो। खूबसूरत लड़कियां ये ऐसे वैसों को क्यों मिलती हैं? आपको किसने पसंद किया है भाई? हंस रहे हो? मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रहा हूं। मेरी? कौन है वो? ये तो कमल भैया ही बताएंगे। अरे भाई लड़की तुमसे मिली है मुझसे नहीं। लेकिन वो मिलने आपको आई थी मुझको नहीं। भैया क्या चल रहा है आपस में? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मेरे भी समझ में कहां आ रहा है भाभी। समझ समझ का फेर है भाभी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि उनसे मिलना है। मैंने कहा भैया उन क्या हुआ? तो कहने लगी डॉक्टर सक्सेना से मिलना। मैंने भी कह दिया श्रीमती जी अगर आपको कोई इलाज विलाज करवाना है तो जाकर कोई और डॉक्टर ढूंढिए, हमारे भैया तो अभी तजुर्बा कर रहे हैं। सुनील ज्यादा परेशान मत करो। सुनील दीपा मिलने आए। अरे भाभी भैया ने निशाना ताक के लगाया, एक तीर से दो निशाने, नौकरी भी मिलेगी और छोकरी भी। क्या क्या ये सच है भैया? सच नहीं है तो सच हो जाएगा। तुमने अपने भाइयों को तो उनसे मिला दिया, अपनी भाभी को भूल गए? भाभी अब सुबह निकल जाती है और शाम में लौटती है, मैं उसे शाम में घर कैसे ला सकता हूँ? देखो डॉक्टर भैया जी, अगर जी चाहे तो रास्ता आसान है और इसमें तुम्हारा फायदा भी। कल दोपहर को लंच टाइम में उन्हें नाज होटल में लेकर आओ, हम तुम्हें खाना भी खिलाएंगे और तुम्हारी होने वाली उनसे भी मिल लेंगे। क्यों भाभी? भाभी मैं भी आऊं? तुम वहां क्या करोगे? चुबे कबाब में हड्डी।
बताने की जरूरत है भैया, बैठो। तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी के किरणें हैं, उन्हें देखकर ही मैं समझ गई थी तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई। लेकिन कमल भैया, आप फेल हो गए। क्यों भाभी? क्योंकि दीपा हमारी मेहमान है और तुमने उनके लिए कुछ मंगवाया नहीं। मैंने ही इन्हें रोक दिया था भाभी। क्यों रोका था? पहली बार आपके साथ खाऊंगी ना। अच्छा, तो बताओ क्या खाओगी? आपको जो पसंद हो। ठीक है, आज मेरी मर्जी का खा लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी चलेगी। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा। दीपा, तुम दोनों ने चुपके चुपके तय कर लिया है या अपने डैडी को भी बताया है? डैडी इनसे मिल चुके हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है। हाँ। दीपा, तुमने तो हमारा घर देख लिया है, रह सकोगी वहां? घर तो घर वालों से बनता है भाभी। भैया, मैं तो पहले मन ही मन डर रहा था कि कहीं भाभी ने दीपा को पसंद नहीं किया तो। कमल, तुमने ऐसा क्यों सोचा? निशा ने दीपा को पसंद कर लिया था उसी वक्त जब उसे मालूम हो कि तुम दीपा को चाहते हो। उसे तुम पर विश्वास है। इस घर की बुनियाद विश्वास और एतमाद पर है। भैया, दीपा के आ जाने के बाद ये प्यार, ये विश्वास और गहरा हो जाएगा। हाँ, और भैया, फिर भाभी को काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बहुत काम किया है, रात दिन कष्ट उठाए हैं, मेहनत की है, मुझे पढ़ाया है। भैया, वो मेरे लिए भाभी कम और मां ज्यादा है। हाँ कमल, निशा के ना जाने कितने रंग हैं, कितने रूप। आप भी कुछ नहीं करेंगे भैया, मैं काम करूंगा और दीपा और भाभी आपकी सेवा करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा? आप सिर्फ खुशियां बांटेंगे भैया। अच्छा। ये क्या पापा, आपने बहुत देर कर दी। वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं? कौन? मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों, लेट आए? हाँ। इसलिए आप भूल गए, आज कमल और उनकी भाभी। अरे बाप रे बाप, याद आया। अच्छा, तो तेरे ससुराल वाले आ गए। पापा। घबराती क्यों बेटे, कमल तो हमें वैसे ही बहुत पसंद है। उसकी भाभी से मिलकर तो हम सिर्फ एक रस्म अदा कर रहे हैं। हेलो हेलो कमल, ये है मेरी भाभी। मैं पहले भी आपसे कहीं मिल चुका हूँ। कहाँ? मैं मिस्टर प्रधान के ऑफिस में काम करती हूँ, आपसे होटल ओबेरॉय में मिल चुकी हूँ। पापा, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते थे, दीपा ने बताया। दीपा ने ठीक ही बताया था। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। शादी ब्याह के मामले में जांच पड़ताल कर ही लेनी चाहिए। कमल को तो मैं जानता था, लेकिन इसके घर वाले कैसे हैं, क्या हैं, ये जानना चाहता था। मैं समझता हूँ आप इस बात को तो मानेंगे कि ये जानना जरूरी होता है। माफ कीजिएगा,
मुझे एक काम याद आ गया। लेकिन दीपा और कमल के बारे में? इतनी जल्दी क्या है, बात नाजुक है, जरा सोच समझ के कदम उठाएंगे। पापा इन्हें चाय पिलाओ बेटे। पापा अपने घर बुलाकर उनकी बेइज्जती की है पापा, क्या कसूर है उनका? शायद तुम नहीं जानती हैं, कमल की भाभी नौकरी करती है। नौकरी करना गुनाह नहीं है पापा। नौकरी के पर्दे में जो किया जाता है वो बुरा है। कौन सा गुनाह किया है उन्होंने? सुनो दीपा, तुम क्या समझती हो, मुझे इस बात का दुख नहीं? देखो बेटी, अभी तुम्हें दुनियादारी का पता नहीं है, लोग इस शादी पर उंगलियां उठाएंगे, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो बेटी, अपने अपने पापा के लिए, मेरा मतलब है मेरे लिए, कमल को भूल जाओ। आप कहते हैं पापा तो मैं कमल से शादी नहीं करूंगी, लेकिन उनको भूलना ये मेरे बस की बात नहीं, मैं कमल को कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। दीपा सुनो बेटी, तुम जानती हो कि कमल मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पापा। देखो बेटी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि शादी के बाद तुम और कमल उस घर में ना रहो। तब से वो काम पे जाने के काबिल नहीं रहे, मैंने फैसला कर लिया इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, इस गृहस्थी को उजड़ने नहीं दूंगी। मैं नौकरी तलाश करने लगी, टीचर बन जाती, किसी दफ्तर में टाइपिस्ट या क्लर्क बन जाती, 600-700 रुपये तो मिल ही जाते, पर उससे क्या होता, इतना बड़ा परिवार, फिर तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, मैं पीए बन गई, जानबूझकर इस आग में कूद पड़ी, मुझे अपने आप पे विश्वास था, पूरा यकीन था, और आज भी है। और तुम कमल, वक्त के एक ही झोंके से हिल गए। हाँ भाभी, जिस घर में आपकी इज्जत ना हो, आपका मान ना हो, मैं वहां रिश्ता नहीं जोड़ सकता। इस परिवार के लिए आपने बहुत त्याग किया है भाभी। त्याग? ये त्याग नहीं था कमल, खुदगर्जी थी, मेरा स्वार्थ था। मैं जानती थी मेरा परिवार खुश होगा तो उसकी फुहार मेरे आंचल को भी सैराब करेगी। लेकिन भाभी, मिस्टर मल्होत्रा आपके बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो सब झूठ है। और दीपा क्या सोचती है? नहीं भाभी, वो भी इस बात को नहीं मानती। फिर उसको क्यों सजा देते हो? तुम दीपा से शादी कर लो। भाभी, अपना घर बसा लो कमल, अलग रहने से प्यार तो खत्म नहीं होता। भाभी लेकिन लेकिन भैया, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उनको मना लूंगी, तुम्हारी खुशी का वास्ता दूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। भाभी भाभी, तो मैं अभी जाकर दीपा को ये सब बता दूं? हाँ भाभी। कमल। हाँ भाभी। एक छोटी सी बात मेरी भी सुन लो। बोलो भाभी।
उन्हें मल्होत्रा वाली बात मत बताना जी, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। ठीक है भाभी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अलग होने का कोई दुख नहीं? दुख कैसे नहीं होगा? फिर आपने उन्हें माफ क्यों किया? कोई गुनाह नहीं किया उसने। कोई गुनाह नहीं किया? जब पढ़े लिखे हुए, काबिल हुए, तो शादी करके अपना घर अलग बसा लिया, ये गुनाह नहीं है? सुनील, कमल को दोष मत दो। दीपा के घर वाले यही चाहते थे और कमल भैया इस बात को मान गए। इसमें उनका कोई दोष नहीं है? तुम्हारी भाभी भी यही चाहती थी। भाभी? क्यों, आखिर क्यों? इसलिए कि इसमें कमल की भलाई है, उसका सुख है। और आपका सुख, भाभी का सुख? हम लोग स्वार्थी नहीं है, खुदगर्ज नहीं है। लेकिन कमल भैया स्वार्थी है, खुदगर्ज है। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया भैया, और आपने आपने इस शादी में भेजकर मुझे सजा दी है। मुझे मैं वहां मौजूद था, लेकिन लेकिन एक अजनबी की तरह, जैसे जैसे उन सब बातों से मेरा कोई वास्ता ही ना हो, कमल भैया से मेरा कोई रिश्ता ही ना हो। तुम समझते हो ये सब बातें मैंने नहीं सोची? दुख तो इस बात का है भैया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उन्हें घर बुलाया, शादी के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया। नादान मत बनो सुनील, कमल हमारा अपना भाई है। मैंने और तुम्हारी भाभी ने उसे बेटी की तरह पाला है, तुम दोनों को टूट कर चाहा है। लेकिन आज मैं आपके बारे में, भाभी के बारे में सोचने लग गया हूं। भैया भैया, मैं वो कभी नहीं करूंगा जो कमल भैया ने किया। भैया मैं वो कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भैया। ये साड़ी तुम पर बहुत सस्ती है। नहीं नहीं, ये साड़ी तो मैंने मिसेस प्रधान के लिए चुनी है, अपने लिए नहीं। अपने लिए भी चुन लो। नो थैंक यू। वजह? साड़ी मैं हमेशा विजय की पसंद से पहनती हूँ। ओह, आई सी आई सी। इसका बिल अलग बनाइए। यू आर इंसल्टिंग मी। साड़ियों के बिल में शामिल कर देना। नहीं नहीं, इसके पैसे मुझसे लीजिए। डोंट बी सिली निशा। अभी? अरे कमल। नमस्ते भाभी। जीते रहो, तुम दोनों को देखकर लगता है सहरे के फूल अब तक खिले हैं।
भैया कैसे हैं? अच्छे हैं। और मिनी और सुनील? मिनी कमल अंकल को पूछती है। आई एम सॉरी मिस्टर प्रधान, ये है कमल सक्सेना मेरे देवर और उनकी पत्नी। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, पर ये नहीं जानता था कि आपके देवर हैं। डैडी कैसे हैं दीपा? अच्छे हैं। आप घर पर रहिए ना अंकल। घर पर आऊंगा तो तुम कहाँ मिलोगी? हम वही रहते हैं, जरूर आइए। सर, जरूर आपका पार्सल। लेट्स गो। अच्छा भाभी। अच्छा भैया। वैसे कमल की शादी में आपको नहीं देखा? उनके बिना मैं कैसे जाती? लेकिन मेरे छोटे देवर शादी में मौजूद थे। मिनी! अरे अभी तक तुम सब्जी काट रही हो, इतनी देर हो गई। क्या करूं, कल डॉक्टर से लेट आई थी ना, आज सब काम देर से हो रहा है। मिनी जल्दी करो, स्कूल बस का टाइम हो रहा है। मम्मी आज बस नहीं आएगी। क्यों, आज स्कूल बंद है क्या? नहीं, आज पेरेंट्स डे है, दोपहर में जाना है। डैडी तुम्हें तैयार कर देंगे। देखिए कल मिनी के लिए जो नया फ्रॉक लाई हूँ उसे पहना दीजिएगा। मम्मी आज ऑफिस से छुट्टी ले लो ना। क्यों? टीचर बोल रही थी मम्मी को लेकर आना। आज दफ्तर में बहुत काम है मिनी, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। एक काम करना, हाँ सुनील अंकल के साथ चले जाना। क्यों? मैं सुनील अंकल के साथ नहीं जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटी। हाँ सबकी मम्मी आ जाएंगी तो मैं क्या बोलूं? बोलो, मम्मी काम पे गई हैं। हाँ और जब मैं शाम को आऊंगी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी, वो नारियल वाली जो तुमको बहुत पसंद है। और तब मुझे बताना अनु ने क्या कहा, राधिका ने क्या बोला, स्कूल में क्या क्या हुआ। हाँ? अब चलो हंसो हंसो। खामोश क्यों हो? सर इतनी देर तक बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। निशा, अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपने को ये सब कुछ करना पड़ता है। अब उन्होंने रात के 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है, हम ना तो नहीं कह सकते अपने क्लाइंट को। बस टाइम पास करना था इसलिए पिक्चर देखने चले गए। और तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा मेरे साथ रहना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। सर एक सेकंड के लिए गाड़ी रोक दें, अब मुझे फूल लेना है। विजय को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। अच्छा ड्राइवर गाड़ी रोको। थैंक यू। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई कहने की, सामने आई ऐसी गंदी बात सोचते हुए? तुमने भाभी का नहीं माँ का मजाक उड़ाया है, उसे 20 चौड़ाए लाख खड़ा किया है। नहीं 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 भैया, भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैंने भाभी को हमेशा माँ के रूप में देखा है। किस मुंह से तुम इसे माँ कहते हो? माँ को बाजार में रुसवा नहीं करते, बदनाम नहीं करते। भैया मेरा सेना में छलनी हो रहा है, अगर मगर मगर क्या? भैया आप नहीं जानते कि मैं शादी के बाद क्यों अलग हो गया। मिस्टर मल्होत्रा ने उनको मिस्टर प्रधान के साथ देखा था। देखा होगा, वो मिस्टर प्रधान की सेक्रेटरी है। होटल में देखा था। भाभी ने अपने हाथों से उनको शराब पिलाई थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? मुझे उन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था भैया, और फिर भाभी ने भी मुझे रोक दिया था कि आपको तकलीफ ना हो। जो जख्म तुमने उस वक्त नहीं दिया
आज के लिए बचा रखा था। जो बात आज तक कानों में सुनी थी आज आंखों से देखी है। क्या देखा है तुमने? भाभी को एक दिन मिस्टर प्रधान के साथ साड़ियां खरीदते देखा। दीपा मेरे साथ थी, आज भी दीपा मेरे साथ थी। हमने अपनी आंखों से भाभी को मिस्टर प्रधान के साथ सिनेमाघर से निकलते देखा। धोखा हुआ है। काश यही होता। अभी मिस्टर प्रधान के साथ कार में बैठ कर गई, जो आंखों से देखा वो धोखा कभी नहीं हो सकता भैया, धोखा कभी नहीं हो सकता। चुप हो जाओ कमल, चुप हो जाओ। मैं दुनिया की जबान तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी को यह हक भी नहीं देता कि मेरे घर में आकर मेरी पत्नी की बुराई करे। वो संबंध जो तुम्हारे मेरे बीच था आज टूट गया है। आज से हम तो अजनबी हैं। इससे पहले कि मैं अपने आप को भूल जाऊं, तुम इस घर से बाहर चले जाओ और अंदर यहां आने की कोशिश मत करना। भैया मैंने कहा ना, तुम मेरे भाई नहीं हो। Get out. I said get out. निशा तेरी शादी मेरा क्या होगा? माँ तुम्हें नेवता जरूर भेजेगी, और बेचारे करे भी तो क्या। देख देख माया, मेरी बात तू सुन ले और अपनी माँ के कान में भी सुना दे। सुनाती हूँ। क्या सुनाओ? तेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, सिर्फ मुझसे। नहीं तुमसे क्यों? काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो। क्या क्या है ये? ऐसी नौकरी करके क्या फायदा जिसमें आदमी प्यार भी ना कर सके, है ना? एक बात मान, क्या तू मुझसे शादी कर ही ले? क्यों? अरे मैं रिक्शा चलाऊंगा, तुझे रिक्शे में घुमाऊंगा, यहाँ वहाँ की सैर कराऊंगा, और जिस दिन कोई घर पे नहीं होगा ना उस दिन हम लोग छुट्टी मनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, ठीक है ना? मगर ये सब बातें माँ को कौन समझाएगा? तुम बोलो ना। ना पापा तू बोल। नहीं नहीं मैं क्या बोलूँ, तुम बोलो। क्यों तुमको माँ से डर लगता है? डर? नहीं डर और नहीं लगता, तुम बोलो। तो फिर तुम बोलो ना। तुम बोलो। माया माया कौन आया? अरे अभी तक कॉलेज नहीं गई, ये क्या दोनों दार खुले पड़े हैं? हाँ ये जूते किसके हैं? जूते कहाँ है जूता माँ? ये क्या? अरे ये की एक ही जूता, ऐसे कैसे हो सकता माँ? तो दो पैर है। दो नहीं चार होंगे, पर ये जूता किस? अरे हाँ जूता कहाँ गया? वो माँ वो कुत्ते आकर लेकर गए होंगे, यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं। जनाब
अजी बिना शब्द कविता कागज कहाँ है? चलिए नाश्ता तैयार है, कविता बाद में लिखिएगा। चलिए ना प्लीज। भाभी मैं रिक्शा चलाना चाहता हूँ। सुना बैंक से कर्जा मिलता है? भाभी मिस्टर प्रधान तो आपको बहुत मानते हैं ना, उनसे कोई चक्कर वक्कर चला दो ना। सुन रहे हैं आप? हाँ सुनील रिक्शा चलाएगा। तू रिक्शा चलाएगा? तुम रिक्शा चलाओगे? भाभी भाभी मैं सीरियस हूँ भाभी। तू रिक्शा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाभी। भाभी आप भी हंस रहे हो? सचिन रिक्शा चलाओगे? उफ़ो, किताबें नीचे क्यों रखी है? ऊपर रखो। सुनिए मैं जरा खंडाला जा रही हूँ। मैं खंडाला जा रही हूँ, हमारी नई फैक्ट्री की फाउंडेशन रखी जा रही है, जाना जरूरी है। आपको शहद पसंद है ना? वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, मैं वापसी में ले आऊंगी। मम्मी 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 मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, आज तो स्कूल को छुट्टी है। अपने डैडी से पूछो, अगर वो हाँ कहेंगे तो नन्नी गुड़िया को जरूर साथ ले चलेंगे, उसे बहुत सैर कराएंगे। डैडी डैडी मैं मम्मी के साथ जाऊं? बोलो ना डैडी। डैडी हाँ बोलो ना, आज तो स्कूल को भी छुट्टी है, बोलो ना डैडी प्लीज। मिनी डैडी मुझसे गुस्सा है, कितना कह रही है, हाँ कह दीजिए ना। डैडी मैं जाऊं? बोल लीजिए ना हाँ। डैडी यू आर ग्रेट। फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी मैं अब भी तैयार होती हूँ। विजय मैं रात को डर गई थी, मैं समझी आप मुझसे नाराज हैं, फिर जान गई, देर से आई थी ना इसलिए। आप मुझसे इतने नाराज कभी ना हो कि मेरा दम निकल जाए। मिस्टर प्रधान आ गए। मिनी मिनी जल्दी। मम्मी मैं तैयार हो गई। थैंक यू, आज देर नहीं होगी, अपना ख्याल रखना। हाँ डैडी को टाटा करो। टाटा डैडी। चलो
भैया? आप चीखे थे शायद, जागते में कोई सपना देखा। आप बिस्तर पर लेटेंगे? मैं नहीं आ गई जी, अभी नहीं। अच्छा तुम जाओ। बड़ी सहरे कर रही हैं आप। अंकल हम खंडाला गए थे। अच्छा खंडाला गए थे? हाँ। याद है आपको, हम हनीमून मनाने खंडाला गए थे। हल्की हल्की धूप अंक अंक को सहला रही थी, कोयल की कूक और पपीहे की पुकार सावन की फुवार बनकर बरस रही थी। चारों तरफ गुलाब ही गुलाब थे। आप बहुत याद आए, हर मोड़ हर पगडंडी पर मैं आपकी राह देखती रही। हम मिस्टर प्रधान की कोठी पर भी गए, बहुत शानदार कोठी है, हवेली है हवेली, दूर दूर तक सिर्फ फूल ही फूल नजर आते हैं, लेकिन उनमें आपकी पसंद का एक भी नहीं। मिनी ने ये फूल तोड़ा, बोली मम्मी बालू में लगा लो। बस मैंने लगा लिया। तो फिर मैं इतनी भागी इतनी भागी इतनी भागी कि सबसे पहले मैं ही ऊपर चली गई। अरे वाह शाबाश। और मम्मी और प्रधान अंकल इतने नीचे रह गए कि पूछो मत। मैं तो पूछूंगा। मिन्नी पहले खाना खा ले फिर बात करना। बस मम्मी एक बात और। हाँ तो सुनील अंकल, वहाँ एक झूला था। अच्छा झूला था? उस झूले पर मैं बैठी। ओह और गिर गई? नहीं, उस झूले पर मैं बैठी तो एक तरफ प्रधान अंकल एक तरफ मम्मी, एक तरफ प्रधान अंकल एक तरफ मम्मी, एक तरफ प्रधान अंकल एक तरफ मम्मी। बस 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 आगे क्या हुआ? आगे उस झूले पर मम्मी बैठी। अच्छा मिनी रात भर रोती रही, बड़ी मुश्किल से सोई। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? बताइए आपने ऐसा क्यों किया? आज मिनी आपको प्यार करने आई और आपने सोने का बहाना किया।
मेरा गुस्सा उस बच्ची पर उतारा। क्यों बताइए आपने ऐसा क्यों किया? आप बोलेंगे नहीं? विजय भूल जाइए कि आपके पांव नहीं है। आप इस तरह दुखी होंगे तो मैं क्या करूंगी? इतना बड़ा घर है, ये गृहस्थी कैसे चलेगी? आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं नौकरी कर लूंगी। पूरे घर की जिम्मेदारी कबूल करोगी तुम? मिनी है, सुनील है, कमल के कॉलेज का खर्चा है और मैं इस काबिल नहीं कि दो कदम चल सकूं। ये कोई जिंदगी है? इससे तो मर जाना अच्छा था। जी, ऐसा मत कहिए, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? आप मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी है। मैं चलूंगी तो हर कदम पर आप मेरे साथ चलेंगे। अब कभी ऐसा मत कहिए, आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जल्दी आ गई। इसकी खुशबू दूर तक मेरा पीछा करती रही। एक दिन हमने सोचा था हम साथ रहेंगे तो हर दुख हर गम बांट लेंगे, याद है आपको? क्या दुख है आपको बताइए ना, बताइए। मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो गया है। आप बहुत सोचते हैं ना, सोचना जरा कम कर दें। जब तुम बाहर होती हो तो दिल बोझल रहता है, एक घटा सी छाए रहती है, और जब मैं सामने होती हूं तो बादल टूटकर बरसते हैं और फूल खिल उठते हैं। क्यों बुलाया? पास आइए, दूर से क्या बोलूं? फरमाइए, हम आपके हुजूर में हाजिर हैं।
मिस्टर विजय सक्सेना, ये बताइए हमने आपको क्यों याद किया? मिसेस सक्सेना, आपका चेहरा आपके दिल की किताब है। हम जानते हैं कि आपको शरारत सूझ रही है। हम आपसे बहुत नाराज हैं। हमारी खुशनसीबी है। उससे में आपका हुस्न और निखर आया है। लेकिन ये बताइए, हमारा गुना क्या है? गुना? आज हम घर में हैं, आपके साथ अकेले। हम जानते हैं, ये भी हमारी खुशनसीबी है। तो फिर आज हमें छोड़कर हमारी सौतन यानी टाइपराइटर से इश्क क्यों फरमा रहे हैं? हाँ, ये गलती हमसे जरूर हुई है मालिक आलम। हम रोज दिन भर घर से बाहर रहते हैं, आपके साथ मिल बैठने का, कहने सुनने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्त है, हम भी दिन भर इस चार दीवारी में कैद रहते हैं। कोई नहीं मिलता तो दीवारों से बातें करते हैं। चाहो तो इनसे पूछ लो, ये हमारी हर शिकायत, हर खुशी, हर गम से वाकिफ है। हमसे कोई शिकायत है? आप हमारी हर शिकायत, हर खुशी, हर गम में शरीक हैं। यही तो हम चाहते हैं, आज के दिन इन दीवारों से कुछ न कहिए। हम हैं, हमसे कहिए, हम आपकी सारी शिकायतें दूर करेंगे, हर गम को खुशी में बदल देंगे। अरे बाबा, मैं बुलाते बुलाते थक गई, जल्दी आओ ना मम्मी, डैडी के साथ कितनी लंबी लंबी बातें करोगी। मिनी, कौन सा शिकायत है? हाय मिनी। अरे आप? हेलो, अंदर आइए। वैसे आने का प्रोग्राम तो नहीं था, मगर तुम्हारे जाते ही बैंक मैनेजर का फोन आ गया और मुझे आना पड़ा। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं निशा, बस तुम जल्दी तैयार हो जाओ, बैंक जाना है और रिक्शा के लिए लोन की एप्लीकेशन आज ही जाना जरूरी है। ओ, आप इनसे बातें करिए, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। जी प्रधान अंकल। ओहो, आओ आओ मेरी बेटी, आओ अंकल। चलिए मैं तैयार हूँ, मैं एक घंटे के अंदर आ जाऊंगी। हाँ चलिए। टाटा मम्मी, टाटा प्रधान अंकल। मम्मी चॉकलेट ले आना। आने में देर हो जाए तो खाना खा लेना। हाँ मम्मी, टाटा टाटा टाटा। गुड मॉर्निंग। यहां से गुजर रहा था, सोचा साथ मिसेस सक्सेना को भी ले चलूं ऑफिस में। निशा, मिस्टर प्रधान तुम्हें लिफ्ट देने आए हैं। जी अभी आई। बैठिए। दैट्स ऑल राइट। वैसे आपको दिन कैसे गुजरता है? बस सोचता रहता हूँ। सोचने से क्या होता है? अच्छा, आप टाइप कर लेते हैं। और क्या कर सकता हूँ? That's good. मैं तैयार हूँ। Sorry to keep you waiting. कुछ चाय भाई? No, thanks. निशा, अपने ऑफिस में काफी टाइपिंग का काम निकलता है, हम जो बाहर देते हैं क्यों ना इनसे करवा ले? आपका क्या ख्याल है मिस्टर सक्सेना? No, thanks. अभी इसकी नौबत नहीं आई है।
आई एम सॉरी मिस्टर प्रधान। क्यों निशा? वो ऐसे नहीं है, पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। शायद उनको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। ये बात नहीं है। तो फिर? आप नहीं जानते, कमल की शादी के बाद वो उदास रहने लगे हैं। जरा जरा सी बात पर दिल छोटा कर लेते हैं। दफ्तर में कभी देर हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ उनके सामने बैठी रहूं, लेकिन मैं नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। अगर नौकरी छोड़ूंगी तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तुम समझाती क्यों नहीं? मैं समझाती हूँ, लेकिन वो समझते ही नहीं। फिर भी मैं नहीं, नहीं क्या? नहीं, इस तरह हिम्मत नहीं हारा करते। और फिर मुझे बुरा नहीं लगा। देखो ऐसा करते हैं, तुम्हें प्रमोशन दे देती हूँ। हाँ सर। हाँ, फिर तुम ठीक वक्त पर घर पहुंच जाया करोगी। ओके। सवाल है, सवाल है, सवाल बेमिसाल है। ये क्या चक्रमपना है? चक्रमपना? ओ नहीं, अरे तो क्या? मैं सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ। तो चुपचाप सोचो। क्यों क्यों? अगर तुम्हारे भैया ने सुन लिया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा बोलो, क्या सवाल है? सवाल? सवाल ये है कि हम अपनी अनारकली के लिए कौन सा कमरा लें? कमरा नहीं, पिंजरा। शादी के बाद हम दोनों पिंजरे में रहेंगे क्या? ठीक है ठीक है, मुझे सोचने दो। सोचो सोचो मेरी अनारकली, सोचो। हाँ, हमने तो सोच लिया। सोच लिया? इरशाद। हम लोग हम लोग वो कमरा लेंगे जिसका दरवाजा बगीचे की तरफ खुलता हो। बैंगन उगा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, मैं दुकान खोलूंगी। जब तुम्हारी रिक्शा बंद पड़ जाएगी तो मैं भाजी तरकारी बेचूंगी। और तुम्हारी दुकान पर सबसे पहला ग्राहक बनकर मैं ही आऊंगा भाजी तरकारी खरीदने। तुमको ठेंगा भी नहीं मिलेगा। अरे भागती कहाँ पे? खैर अभी पकड़ता हूँ तुझे। मैं ठेंगा भी नहीं दूंगी। पकड़ लिया ना अपनी अनारकली को? छोड़ो, कोई आ गया तो? अरे छोड़ो, छुड़ा के दिखा दो। छोड़ो ना। इधर आओ। निकल जाओ यहाँ से। आइंदा इस घर में पाँव नहीं रखना। और तुम, तुमको शर्म नहीं आई? भैया, भैया मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, आखिर इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुमको? भैया मैं उससे शादी कर रहा हूँ, उसके साथ खेल नहीं रहा हूँ। ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। भाभी ऐसा कभी नहीं सोचेंगी। वो जानती है इस बात को? नहीं, मैं बताऊंगा उन्हें। और मुझे यकीन है भाभी इस बात पर कभी एतराज नहीं करेंगी। उसको एतराज क्यों होगा? वो भी तुम्हारी तरह सोचती है, लेकिन इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। I'm ready, sir. I'm sorry, बहुत देर हो गई आज, लेकिन ये काम अर्जेंट था। पर्सनल मैनेजर सब्जेक्ट मिसेस निशा सक्सेना का प्रमोशन ऑर्डर। मैं मिसेस सक्सेना की ऑफिस सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए पुरजोर सिफारिश करता हूं। Yes, it is. By the way, निशा, अगले हफ्ते तुम्हें घर में कोई जरूरी काम तो नहीं है? No, sir. मैं सोच रहा था कि हम दोनों दो दिन के लिए महाबलेश्वर चलते हैं। वहां का मौसम बहुत अच्छा है। मिसेस प्रधान दिल्ली चली गई है। तुम अगर मेरे साथ रहोगी
तो मुझे भी कंपनी हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर प्रधान। उस दिन कार में जो बातें हुई उसका मतलब ये नहीं था। ये सच है, कभी कभी मैं उनसे नाराज हो जाती हूँ और दुख भी होता है, लेकिन ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। नहीं, देखो ऐसा मत करो। देखो, यू आर सैडली मिस्टेकन। प्रमोशन तो तुम्हें मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। यू डिजर्व इट। मेरा मतलब था, मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ और फिर तुम्हारी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। Yes, I mean it. तुम अगर आज चलना नहीं चाहती तो जाने दो, फिर कभी। ओके। से आई, ऑफिस में जरूरी काम था। मैं जानता हूं ऑफिस में क्या काम होता है। मतलब तुम जानती हो? आप बताइए। जो कुछ हो रहा है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। क्या देखा है आपने? मिस्टर प्रधान कोई ना कोई बहाना लेकर रोज घर आते हैं, क्या झूठ है? नहीं। तुम उनके साथ बाहर जाती हो, क्या ये झूठ है? नहीं। रोज देर से घर लौटती हो, क्या ये झूठ है? नहीं। तो फिर झूठ क्या है? झूठ वो है जो आप सोच रहे हैं। अच्छा, और दुनिया वाले? जो वो देखते हैं वो सच है, लेकिन जो समझते हैं वो झूठ है। और जो कमल ने सुना है, जो देखा है, वो झूठ तो नहीं हो सकता? कमल? कमल आपसे? कमल आपसे मिला था? हाँ, उसने सब कुछ बता दिया है। सब कुछ? उस वक्त मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था, और आज आपको यकीन आ गया है। आप मुझ पर शक करने लगे हैं। मुझे दुनिया वालों से कोई शिकायत नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जिंदगी की वो खुशी जिस पर हर औरत का हक है, जो उसका अधिकार है, जिसके लिए वो शादी करती है, घर बसाती है, मैंने आपके खातिर वो भी भुला दिया। मैं भूल गई थी कि मैं एक औरत हूं, लेकिन आप नहीं भूल सके। आज आपने मेरा भरम तोड़ दिया। हमारे दिलों के बीच एक शक की दीवार खड़ी कर दी। जिसे तुम शक कहती हो वो मेरे लिए यकीन है। तुम्हारी बातों से मेरा यकीन नहीं टूट सकता। मैंने फैसला कर लिया है, कल से तुम काम पर नहीं जाओगी।
कैसे चलेगा? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन आज तक तो ये काम मेरा था। आज से मेरा है। ठीक है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। हाँ चलो, तुम कितनी अच्छी हो मम्मी। नमस्ते जी, आपके दर्शन करने आ गया। मुनीम जी आप आ गए, आइए बैठिए। बैठूं? कैसे बैठूं? यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, आज तो किराया लेकर ही जाऊंगा। कुछ दिन रुक जाइए, इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा? क्या खाक इंतजाम हो जाएगा? 6 महीने से यही सुनते आ रहा हूँ, आज तो पैसा लेकर ही जाऊंगा। अरे अभी तो मुश्किल है। मुश्किल? काहे की मुश्किल? फर्नीचर तो बहुत सजा के रखा है, ऊंची दुकान, फीका पकवान, इसे बेच दो। मुनीम जी मैं वादा करता हूँ। अरे वादा करने से क्या होता है, बीवी अच्छी खासी नौकरी करती थी, उसे घर में बिठा लिया, अब क्या पैसा आसमान से गिरेगा? सुनिए तो। अरे क्या सुनो, मैं ये खिटपिट उठा के ले जाऊंगा। नहीं, नहीं इसे नहीं, इसे मत लीजिए, आप जो कुछ चाहते हैं जो कुछ इसे नहीं। अरे हमारा ही कैसा है मंदिर, प्रेम अपनों का पलता है जिसमें, आंधियां क्या गिराएंगी इसको, प्यार का दीप जलता है जिसमें। दीप बगिया
हम फूल सारे, कैसे टूटेंगे रिश्ते हमारे। कैसा है प्यारा घर ये हमारा, दुनिया से न्यारा घर ये हमारा। डैडी, 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 मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? टीचर मुझे क्लास से बाहर निकाल देती है और कहती है तुमने फीस नहीं लाई, क्लास से बाहर जाओ। अब मैं क्या करूं डैडी? डैडी, मम्मी को फीस देने के लिए बोलो ना डैडी, प्लीज बोलो ना। क्या हुआ? डैडी ने मारा। आपने मिनी को क्यों मारा? क्या किया है उसने? उसने नहीं, तुमने। मैंने? हाँ तुमने। तुम उसे पट्टी पढ़ाती हो। मुझे पट्टी पढ़ाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे अपनी बच्ची से अलग करना चाहती हो? क्या कह रहे हैं आप? अगर नहीं तो ये बताओ, जब से तुमने नौकरी छोड़ी है। छोड़ी नहीं, आपने छुड़वाई है। हाँ छुड़वाई है। उस दिन के बाद से आज तक तुमने मुझसे मुस्कुरा कर बात की? कैसे करती? हम दोनों के बीच ऐसी एक कांच की दीवार आ गई है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती। ये दीवार तुमने बनाई है। मैंने? जो काम मैंने नहीं किया उसके लिए मुझे दोष क्यों? तो फिर दोष किसका है? जो आप सोचिए। और मिनी की फीस कहां से आएगी ये भी सोचिए। प्रधान साहब, मिसेस सक्सेना ने काम छोड़ा नहीं, छुड़वाया गया है। What do you mean? वही जो मैं कह रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। That's very bad. आपकी वजह से मिसेस सक्सेना की नौकरी गई और आप समझ नहीं पा रहे हैं? आपका मतलब है यही कि मिस्टर सक्सेना ने उनके पर काट दिए? मेरे ख्याल से तो उन्होंने ठीक ही किया। वैसे आपका क्या कहना है? नहीं, मिसेस सक्सेना तो हाँ हाँ रहने दीजिए, आप मत बोलिए। पर मुझे तो पहले से ही शुभ था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को शादी के बाद उनके घर पे नहीं रहने दिया। मिसेस सक्सेना काम पर नहीं जाती तो फिर उनका घर कैसे चलता है? बुरा हाल है जी, कमल थोड़ा बहुत पैसा भेज देता है, उस पर गुजारा चलता है और क्या। अगर आपने दिशा के साथ नाइंसाफी की है। नाइंसाफी? हाँ। आपके मुंह से यह शब्द अच्छा नहीं लगता। क्यों? नाइंसाफी आपने मुझसे की है। वो किस तरह? निशा, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, आपने उसे छीने की कोशिश की है। कोशिश जरूर की थी मगर कामयाब ना हो सका। जी जी, शायद इसलिए कि उसका प्यार आपके प्यार से ज्यादा विशाल, ज्यादा सच्चा है। हुँ।
मैंने उसे समझने में गलती की, मगर आपने तो उसे प्यार किया है, स्वयंवर में जीता है। आप भी उसे समझ नहीं सके, आपने उसके चरित्र पर शक किया। अगर मैं गलती पर था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? झूठ का एक घरौंदा जो आपने बनाया था, क्या उसके बोलने से वो टूट जाता? उसकी दीवारों को आपने पहले से रंग दिया था, क्या वो रंग धुल जाता? मिस्टर प्रधान, नहीं, नहीं। आज मुझे बोलने दीजिए, मुझे सच बोलने की आदत नहीं है, पर आज बोल रहा हूं। मिस्टर सक्सेना, आज मुझसे कुछ सुन लीजिए। निशा अगर कुछ कहती तो आप उसे नहीं मानते। मिस्टर सक्सेना, आपने, मैंने, हम मर्दों ने दो तरह के कानून बनाए हैं, एक अपने लिए, दूसरा औरतों के लिए। औरत को उसकी बेगुनाही की सजा दी जाती है, सजा पहले तय की जाती है, गुनाह बाद में तलाश किया जाता है, और उस राह पर निशा के बचने के लिए कोई मोड़, कोई पगडंडी नहीं थी। मगर उसका देर से आना, होटलों में जाना। मिस्टर सक्सेना, काम के सिलसिले में अगर आपको ये सब कुछ करना पड़ता और निशा आपके बारे में ऐसा कुछ सोचती तो आप क्या जवाब देते? ये मत बोलिए कि आप मर्द हैं और वो औरत। मिस्टर प्रधान के लिए आपने मुझसे नौकरी छुड़वाई और आज उनकी बातों पर यकीन कर लिया। मैं शर्मिंदा हूं, अपने किए पर मुझे पछतावा है। मुझ पर तो आपने यकीन नहीं किया था। मैं भी उस आग में जला हूं निशा। जो दुख मैंने उठाए हैं वो सब आपके पछतावे से दूर हो जाएंगे। मैं जानता हूं इन सब बातों का जिम्मेदार मैं हूं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि तुम्हारे काम पर न जाने से सब सजा भुगत रहे हैं। तो आप चाहते हैं मैं काम पर जाऊं? अगर मैं काम पर ना जाऊं तो? मैं इनकार कर दूं तो? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा निशा, कभी नहीं। निशा, मैं बहुत थक गई हूं विजय, मैं थक गई हूं विजय। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर रोज दफ्तर में काम करूं और हर शाम घर में एक महाभारत से गुजरूं। नहीं निशा, अब ऐसा नहीं होगा। आज आपको मुझ पर विश्वास है, ठीक है, यह आज की सच्चाई है। कल मैं काम पर जाऊंगी, कभी दफ्तर में देर हो जाएगी, कभी कहीं जाना पड़ेगा, अब कुछ दिन बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे, फिर कोई कमल आपसे मिलने आएगा, फिर किसी चोर दरवाजे से आपके दिल में शक दाखिल होगा। ये कल की सच्चाई होगी। नहीं निशा,
मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। अब जुबान से कुछ नहीं कहेंगे, आपकी आंखें मुझे दोष देंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरेगा और दिल की बात जुबान पर आ जाएगी। नहीं विजय, मुझे मजबूर मत करो, मैं नौकरी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। निश, नेम साहब आपका मनी ऑर्डर। कमाल का मनी ऑर्डर, हमें नहीं लेकिन चाहिए। क्यों? हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाइए प्लीज। अब महीना कैसे गुजरेगा? मैं नहीं चाहती कि हम दूसरों से मदद लें। कमल कोई गैर नहीं, वो मेरा भाई है। और उनके घर वाले? पैसा कमल का नहीं है, पैसा मिस्टर मल्होत्रा का है। आपने कमल से पैसे मंगवाए हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं हर दुख झेल सकती हूँ, हर गम से लड़ सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बच्ची किसी के टुकड़ों पर पले। मैं बेबस था निशा, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अपाहिज हूँ, अधूरा हूँ। जिस एतमाद, जिस भरोसे के सहारे तुम्हें काम पर जाने से रोका था, वो झूठा था। उसकी बुनियाद खोखली थी, खोखली थी। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था निशा, कोई रास्ता नहीं। लेकिन मेरे सामने रास्ता है। मैं नौकरी करूंगी आपके लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, सिर्फ मिनी के लिए। मैं अपनी बच्ची के लिए काम पर जाऊंगी। तुमने सही फैसला किया निशा। आप सिर्फ इतना याद रखिए, आज के बाद मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। जो गुनाह मैंने नहीं किया है उसकी सजा नहीं भुगतूंगी, आपको इसका हक नहीं दूंगी कि आप मुझे गलत समझें और मुझ पर शक करें। दादी, मैं स्कूल से आ गई। दादी, 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 डैडी, अरे क्या कर दिया, जला दिया, आग लगा दी? वो भैया तेल में पानी पड़ गया थोड़ा सा। एक दिन रसोई घर में गए तो आफत मचा दी। अपनी भाभी के जन्मदिन का इंतजाम इस तरह करोगे? अरे भैया सब काम मैं अकेले ही कर रहा हूँ। तो माया को बुला लिया होता, वो तुम्हारा हाथ बटा देती। किसको किसको बुला लिया होता? माया। माया? भैया भैया ये पकड़ो। ऐसे भैया, थैंक यू वेरी मच। मैं जाऊं माया को बुलाने, अभी जाता हूं। रसोई घर। हाँ रसोई घर।
जाता हूं। बोलो डैडी, मैं कौन हूँ? हाँ सुनील। नहीं। तो फिर आप मिनी की मम्मी हैं। नहीं डैडी, तुम हार गए, हार गए। नहीं मिनी, आज तो हम जीत गए। अरे भैया, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं हूं। सुनील, बस आज मुझे ये सब अपने हाथों से करने दो। निशा के लिए, मेरी भाभी के लिए। डैडी, मम्मी आई नहीं ना अभी तक? बस आती होंगी। हेलो निशा, आई एम वेरी सॉरी, आज शाम को तुम्हें रुकना होगा, एक क्लाइंट आ रहा है। ओके सर। आई होप आई हैव नॉट स्पॉइल्ड योर इवनिंग। इट्स ऑल राइट सर। जन्मदिन मुबारक हो भाभी। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। चलो केक काट लें। हैप्पी बर्थडे टू यू। शरीर कहीं के। और डैडी की तरफ से प्रेजेंट? वो मुझे मालूम है। खुशबू तो अच्छी है, लेकिन इसमें आपकी उंगलियों की महक नहीं है। अपने हाथों से लगा दीजिए ना। लगाइए ना। निशा, तुमने ठीक कहा था, आज मुझे तुम पर यकीन है, विश्वास है, भरोसा है। आज की इस सच्चाई को मैं अमर बना रहा हूं। चाहता हूं कि तुम फूल बनकर इस परिवार को सदा महकाती रहो। विजय,